नरकटियागंज से सीतामढ़ी रूट पर विद्युतीकरण कार्य अपडेट, और इस वीडियो अपडेट में हम जानेंगे आखिर विद्युतीकरण कार्य कहां तक पहुंचा है, और इसको लेकर के हम बात करेंगे समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए जयनगर विद्युतीकरण के कार्य के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो अपडेट, और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस रूट पर कब से चलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको रेलवे का सारा न्यूज अपडेट मिलता रहे। नरकटियागंज से सीतामढ़ी के बीच विद्युतीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। पिछले महीने ही समस्तीपुर से दरभंगा होते हुए जयनगर तक विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया था, और अब दरभंगा सीतामढ़ी रक्सौल नरकटियागंज गोरखपुर रूट पर तेजी से विद्युतीकरण कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड पर विद्युतीकरण कार्य किया जा रहा है, और रेलवे की योजना है कि 2024 तक देश की सभी रूटों पर विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक ट्रेनों को भी तैयार करने की मांग कही गई है रेलवे की तरफ से, और जिससे ईंधन की खपत कम होगी और रेलवे की डीजल होने पर भी खर्च कम होगी, इसके साथ ही बचत भी होगी, पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। और नरकटियागंज स्टेशन पर विद्युतीकरण कार्य शुरू करते हुए सिकटा होते हुए रक्सौल सीतामढ़ी तक जगह जगह पोल के लिए गड्ढे किए गए हैं। सिकटा स्टेशन पर विद्युतीकरण कार्य के लिए पोल गिराए जा रहे हैं, और यहां पर विद्युतीकरण के लिए पोल लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया था, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक दरभंगा से नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर के लिए ट्रेन चलेगी, और ट्रेन का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन के साथ शुरू कर दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो अपडेट में कई और जानकारी हम इस रेलखंड पर लेकर के आएंगे, इसके साथ ही अन्य वीडियो भी अवश्य लाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।